यूपी के बिजनौर में टैक्सी स्टैंड पर दो पक्षों में मामूली सी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले, जिसमें दो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनमें न एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे सीएससी में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा नाम नरेश कुमार है जी। नरेश जी, क्या मामला हुआ आज? मामला ये हुआ कि सुबह मलखान ने हमें रोक के हमें धमकी दी। इसके साथ इसके ड्राइवर थे और 5-7 किराए के गुंडे, इसके भतीजे, इसके भांजे और इसके पुराने वाले मुंशी, सब ने हमें रोक के हमें धमकी दी। धमकी दे के कहा कि अगर तुमने फरसान चौधरी की तरफ गाड़ी भरी तो हम शाम तक तुम्हें यमलोक पहुंचा देंगे। सुबह किसकी मारपीट हुई थी? सुबह किसी की नहीं हुई साहब, हमारे साथ ही ये करना चाह रहे थे। हमने हाथ जोड़ कर इनसे कहा कि हम तुम्हें प्रधान नहीं चाहते। जब कोई यूनियन का तुम्हें प्रधान चाहता ही नहीं तो हम दो जाकर तुम्हारी तरफ क्या करेंगे। इतने पे इन्होंने कहा कि तुम्हें शाम तक हम ऊपर पहुंचा देंगे। तो साहब शाम को इन्होंने हमें ऊपर पहुंचाने का पूरा प्लान बनाकर ख़त्म कर दिया। अगर दुकानदार हमें ना बचाते तो इनके आदमी ने हमें जान से मार दिया होता। काहे चीज़ से वार हुआ आपके ऊपर? हमारे ऊपर एक दो तेज धार के हथियार थे उनके पास और 12-13 पे लट थे और 2 पे खुगरी थी। कितने आदमी का है ना आपको? ये लगभग 12-13-14 आदमी आए थे इकट्ठे मलखान के दफ्तर में से निकल कर। मलखान सिंह कौन है? मलखान सिंह पूर्व प्रधान है जो 18 साल से दबंगई और गुंडागर्दी के बल पे उसने सबको दबा कर रखा था। अब हम आज़ाद हुए थे, वो उससे पच नहीं रही और वो दोबारा दबंगई के बल पर यूनियन हथियाना और सबका उत्पीड़न करना चाह रहा है। कितने लोग घायल आप लोग? हम तो साहब 2 घायल हैं और 2 लापता है जो वो उठा के ले गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस लेट आने के बाद पुलिस हमें पूजा अस्पताल ले आई। बस इतना काम करा सर जी, मेरी और कुछ नहीं करा।